हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आपको बताई है कि मैं आई हुई हूँ अपने मायके, तो काफ़ी देर धूप में बैठी, अच्छे से धूप ऊप ली और चाय का टाइम हो गया था, तो अब चाय बनाने के लिए कर रही हूँ तैयारी थोड़ी सी। आज किचन में मेरी ड्यूटी लग गई, बना रही हूँ चाय। पहले किचन का काम मेरा, बाकी सब औरों का। किचन में अब कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगी। तो एक मस्त सी चाय पियेंगे पहले, पापा भी आने वाले हैं ऊपर से उतर के। तो चलिए आप भी आ जाइए, चाय वाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद तो बात करेंगे। तो यहाँ पे चाय बन रही है और दूध डाल दिया है। अच्छा, मैं जो चाय बनाती हूँ तो मैं मीठा थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन मुझे पापा की वजह से थोड़ा कम डालना पड़ता है। पापा कम पीते हैं, मतलब यहाँ पे सभी लोग कम पीते हैं पर मैं ही ज़्यादा पीती हूँ। और यहाँ सामने मेरी बहन बैठी हुई थी, वो बना रही थी लिस्ट सामान की, जो कि हमें किचन का थोड़ा सा सामान लाना है, ख़त्म हो रहा था। और मुझे सामान नहीं मिल रहा था, मैं ढूंढ रही थी नमकीन बिस्किट चाय के साथ रखने के लिए। तो यहाँ मैं नमकीन बिस्किट रख दूंगी कटोरियों में। और ये मेरे साथ लगी हुई है। तो चाय हो गई है तैयार ऑलमोस्ट। तो सर्दियों में चाय बड़ी अच्छी लगती है, अदरक वाली, काली मिर्च, लौंग, इलायची डाल के। और उसके बाद में मैं करूँगी इसका परी का दूध, थोड़ा सा इसको भी दूध देना है। और यहाँ पे ये देख रही थी कि क्या क्या सामान ख़त्म हो रहा है, क्या क्या बचा हुआ है, तो क्योंकि लिस्ट बना रही थी सामान की। उसके बाद चाय वाय पी के तब जाएंगे हम लोग मार्केट। तो परी का दूध भी हो गया तैयार। और परी घूम रही है, तैयार हुई हमारे साथ मार्केट जाने के लिए। वो कहीं भी जाओ सबसे पहले तैयार हो जाती है। तो आ जाइए, चाय पी लीजिए, आप लोग भी हो गई तैयार चाय। तो मैं आई थी यहाँ घर अपने, और वैसे ही आई थी रहने के लिए, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई क्रिसमस की, तो मैंने सोचा थोड़े दिनों के लिए पापा के पास भी रहती हूँ।
और ये मुझे बहुत दिनों से बुला रही थी कि मेरी मौसी कब आएगी, मौसी कब आएगी, है ना। और ये परी है जो मास्क लगा के डाकू बनी हुई है। और अभी हम मार्केट जा रहे हैं थोड़ा घर का सामान वामान लेने के लिए, तो दो तीन दिन आपको यहीं का रूटीन दिखाऊंगी और कुछ रेसिपीज भी शेयर करूंगी थोड़ी सी। तो अभी जा रहे हैं मार्केट, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये हम आ गए थे मार्केट में, थोड़ा सा राशन का सामान लेना था और बच्चे मार्केट में जाएं और टॉफ़ी चॉकलेट कुछ ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसने भी ले ली एक चॉकलेट और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे सामान जो जो ख़त्म हो रहा था, थोड़ा बेकरी का सामान भी ख़त्म हो रहा था तो वही ले रहे थे बच्चों के लिए, थोड़ी सॉस वगैरह और पीनट बटर ये सब लेना था, बेकिंग पाउडर भी ख़त्म हो गया था। तो ये छोटा मोटा सामान था, ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा सामान था जिनके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता। तो कुछ भी रेसिपीज बनाओ ऐसी स्पेशल सी तो फिर उसमें चाहिए ही चाहिए, और सर्दियों में तो कुछ ना कुछ नया सा बन ही जाता है, बनता ही रहता है। तो ये कुछ मकेंस लिए थे हमने शाम को चाय के साथ लेने के लिए। टमाटर थोड़े से, और ये इसमें ले लिए हैं मैंने अंडे, इनको मैं अच्छे से बीट कर लेंगे, बीटर से बीट कर लेंगे, पर मेरे पास क्योंकि बीटर नहीं है तो मैं फॉक की हेल्प से कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छी तरह बीट हो जाते हैं। और यहाँ ये मैडम आटा मारने की कोशिश कर रही है, गर्म पानी में आटा मारने की कोशिश हो रही है। ये बन गया है काढ़ा, और ये काढ़ा जो हमने गैस पे रखा था वो पक पक के आधा हो गया, तो इसलिए गैस बंद कर दी, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, इसको इस काढ़े को गर्म नहीं पियेंगे, ठंडा ही करके पीते हैं, अभी पियेंगे। अच्छा, रात को सोते समय जब सारा काम मतलब सारा खाना पीना सब हो जाए, इस काढ़े को पीना है और उसके बाद कुछ नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है। कितना लेना है, आधा ग्लास, है ना, मतलब अगर ये एक ग्लास कंप्लीट तैयार हो गया तो इसको दो लोग ले सकते हैं, आधा आधा ग्लास लेना है। ये वाला ग्लास आधा, क्योंकि ये एक कंप्लीट, ये वाले हमने दो भर के डाले थे इसमें, और अब ये पकते पकते इसका एक ग्लास रह गया, तो इसमें से दो लोग ले सकते हैं, यानी कि एक आदमी इतना लेगा, इतना दो लोग आराम से उसे ले सकते हैं रात को सोते समय। तो उसके बाद में इससे ना इम्यूनिटी पावर भी काफ़ी अच्छी होती है, और अगर आपको एलर्जी है ना, खांसी जुकाम सर्दी वगैरह जो प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम जो, उसके लिए भी सर्दियों में अक्सर बच्चों को हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। और जब से ये कोरोना आया है ना तब से तो हमारे घर में रेगुलर ये सब लोग ले रहे हैं।
सरसों का तेल ही है और ये पका हुआ सरसों का तेल है। पका हुआ मतलब काफी गर्म हुआ हुआ। मुझे दिख रहा है, दिख रहा है। तो मुझे इसमें डालना है, तो मुझे सामान दे, तो मैं इसमें डालूंगी। वाह चम्मच, कितनी बड़ी चम्मच, देखो आप कितनी बड़ी चम्मच है। इसमें सामान ही नहीं आ रहा। देखो मम्मा जीरा, मैंने इसमें थोड़ी सी राई डाल दी है क्योंकि मुझे राई पसंद है। पैदल चौक में और मैं खोलूंगा। ये डाल दिया मैंने, अरे मेरी माँ बाहर चली जा। और जीरा, जीरा डाल दिया। ये दोनों माँ बेटियां लड़ रही हैं यहाँ पे, इनकी लड़ाई जारी है। कुछ तो चाहूंगी। हाँ मासी देखो क्या कर रही है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड, सबसे ज्यादा खुश सिर्फ परी है यहाँ पे मासी के आने के बाद। और इसी में मैं थोड़ा सा डाल दूंगी कस के अदरक। अदरक से ना थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। जितना मुझे भूनना है उतना भून गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बटर मिक्स करना है। इसमें काफी अच्छे से ना मैश कर लेंगे हम टमाटर। उसके बाद में थोड़े से मसाले इसमें डाल दूंगी। नमक, हाँ यही है, हल्दी, नमक है, हल्दी यहाँ पे थोड़ा सा नमक, एक मिनट मिर्च तो मैंने डाल दी है। जाएगा ज़्यादा तेज हो जाएगी तो पापा खाएंगे। नमक भी तेज नहीं, और थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, हाँ अभी रहेंगे तो ना वो रख दिया अंदर। ये मसाला थोड़ा सा गैस को मीडियम रखेंगे, ये मारे ना जिससे ये चले ना। सरगा दो धनिया पाउडर, तो देखिए तेल बिल्कुल गायब हो चुका है, तेल बचा ही नहीं। जब हमारा अच्छे से मसाला भून जाए तो इसमें हम डालेंगे ये फटे हुए अंडे, उसके बाद इसको गैस करेंगे तेज और इनको रेगुलर चलाना चलाते रहना है क्योंकि ये पकना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये आपको लगा होगा कि मम्मी
नहीं मम्मा कोई काम नहीं कर रही है, मासी काम कर रही है। मम्मा तो बस खड़ी है मेरे पास। हाँ, मम्मा का जो काम हो गया तो इसको सही से छुड़ाते रहेंगे तो ये लग जाएगा तो मिल ही जाएगा। चलो करिए रेगुलर। धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया, जैसे जैसे पकेगा। साइड से जरूर चुराते रहे। भुजी बननी शुरू हो गई है रेगुलर। अब गैस को कम कर लेंगे तो ये जल जाएगा। भुजी फॉर्म होनी शुरू हो गई और क्योंकि मसाले मैंने पहले ही डाल दिए थे इसमें तो वो सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अगर इस टाइम डालते हैं ना तो फिर वो कहीं मसाला कम कहीं ज़्यादा हो गया। हाँ देखिए चारों तरफ से मैंने ये डाले और एक बार उसके बाद तो एकदम बंद, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। बेटा मेरा बंद। और इसको ना इसको ऐसे बीच में से तोड़ते रहे क्योंकि जो ज़्यादा बड़े बड़े पीस है ना वो भी अच्छे नहीं लगते। चिपके ये नहीं क्योंकि ये सारी बन चुकी है मतलब टाइट हो चुकी है तो अब ये चिपके ये नहीं कहीं भी, बस इसको भूनना है। इसको आँच तेज करके इसको अच्छे से भून लेंगे। क्या कर रहे हैं से बोल तो आप इसका नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको डालना हो कम ज़्यादा।